नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ ना कुछ YouTube में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। चाय पत्ती का बिजनेस के बारे में ए टू जेड जानकारी देते रहता हूँ। दोस्तों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस चैनल को जो है सब्सक्राइबर करके रखा, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाय पत्ती का जो चैनल है, जो इच्छुक है या जो व्यापार करते हैं, उनके लिए तो इसीलिए है क्योंकि उनको पता नहीं है कि कटिंग में क्या होता है और ये रोल फॉर्म में क्या होता है। इसके लिए पूरे जानकारी ए टू जेड जानकारी देंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए तो बोला था वीडियो को स्किप मत करिएगा। नया व्यापारी के लिए भी और जो पुराना व्यापारी है, चाय पत्ती का बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों। अगर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो दोस्तों, चलिए आपको दिखाएंगे ए टू जेड जानकारी, इस रोल के बारे में और कटिंग में बारे में, कितना रोल मिलते हैं, क्या कॉस्ट है, पहले इसका डिजाइन कैसे तैयार होता है, ए टू जेड आपको जानकारी देंगे। बने रहे वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रोल क्या होता है। रोल दोस्तों इस तरह का रोल होता है। रोल मतलब इस तरह का रोल लगते हैं। कोई फैक्ट्री में अगर आप चाय की या मसाला की कुछ भी आप मतलब ब्रांड बनाना चाहते हैं, वो इस तरह का आपको रोल बना के देंगे। ये जैसे आप देख रहे हैं, थ्रेस्टी का सभी साइज में छोटी पाउच से लेकर ये 10 रुपये का है। आप थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। ये 20 रुपये का है, ठीक है, ये 10 रुपये का है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये 5 रुपये का है। उसके बाद ये 100 ग्राम का है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका भी जानकारी देंगे, ये 5 रुपया, 10 रुपया, और साइज के बारे में भी बताएंगे। इसको बोलता है दोस्तों, ये रोल फॉर्म में होता है और इसको बोलता है कटिंग में, ठीक है। आपको फैक्ट्री में ये बताना होता है कि रोल में मिलेगा या कटिंग में मिलेगा। कटिंग में मतलब इस तरीके का पाउच होता है, कटिंग जो सिंगल पाउच होता है ना, इस तरह का मिलेगा आपको। कोई से भी फैक्ट्री में अगर आप जाएंगे या ऑनलाइन पे बोलेंगे कि मेरे को कटिंग में चाहिए या रोल में चाहिए, तो फैक्ट्री वाला बोलेगा ठीक। तो दोस्तों, रोल वही होता है, इस तरह का मशीन पे जो लगता है, तभी आप रोल पे बनाइएगा। अगर आपके पास मशीन है या लेना चाहते हैं इस तरह का मशीन, इसमें क्या होता है, 5 रुपये से लेकर और 40 रुपये तक की कैपेसिटी है। क्यों बताऊं? क्योंकि इसका जो सीलिंग करने का जो कैपेसिटी है, ये जो है कैपेसिटी जो है, तो ये 100 ग्राम तक ही पाउच रोल पाउच प्रिंट कर पाएगा, मतलब पैकिंग कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जैसे आप देखिए, ये 20 रुपये का है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये 5 रुपये का है। उसके बाद देखिए, ये 10 रुपये का है ना। इस तरह का मतलब रोल तभी बनाना पड़ता है। ये रोल आपको मिलेंगे इस तरह का, लड़ियों के लिए होता है, जो 5 का, 10 का, 20 का, ठीक है, इस तरह का रोल होता है। तो इस तरह का आपको रोल में बनाना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह का, मान लीजिए सीलिंग मशीन से सीलिंग करना है आपको, या बेड सीलर मशीन से आपको सिला मतलब पैकेट बनाना है, तो इस तरह का आप रोल मतलब कटिंग में आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, रही बात पाउच का डिजाइन कैसे बनेगा, कितना खर्चा होगा, वो भी आपको विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों देखिए, अगर आप कोई सा भी एक साइज अगर आप बनाते हैं, थोड़ा बहुत से चीज़ को समझिएगा, अगर कोई सा भी साइज में अगर आप बनाना चाहते हैं, मान लीजिए ये 5 रुपये का पाउच रोल का, ये 5 रुपये का पाउच, ठीक है। अब इसको कितना सिलेंडर लगेगा है ना, और कितना कॉस्ट आएगा, सारे डिटेल भी ये भी बताएंगे।
ये 5 रुपए का है, इसी तरह आप 10 रुपए का भी बना सकते हैं, 20 रुपए का भी बना सकते हैं और 40 रुपए का भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये डिजाइन तैयार करने के लिए आप ये देखिए, सबसे पहले फैक्ट्री वालों को जो डिजाइनर होता है डिजाइन तैयार करके देगा, ये आप देख लीजिए इस तरीके का डिजाइन करके देगा, ठीक है। तो इस तरीके का डिजाइन फाइनल होने के बाद तो सिलेंडर बनता है, कितना भी सिलेंडर, कितना सिलेंडर आपको अंदाजा नहीं है। जैसा मान लीजिए ये कितना कलर है, ये जितना यहाँ पे कलर है ना उसी हिसाब का आपको सिलेंडर लगेगा। मतलब जैसे ये पीला है एक सिलेंडर, यह हरा है दो सिलेंडर, ये चाय की कप 3 सिलेंडर, ये बच्ची का फोटो है ना 4 सिलेंडर, और ये रानी कलर, टोटल ये 5 सिलेंडर है, ठीक है। ये 5 सिलेंडर आप बनाया है। और रही बात सिलेंडर का कॉस्ट कितना आएगा, सिलेंडर का कॉस्ट वही होता है जो केमिकल वाला सिलेंडर, जैसा पिछली बार मैंने बताया 3200-3500 रुपये का होता है, 2800 रुपये से लेकर, और इलेक्ट्रॉनिक वाला जो है वो 5500 से 6000 रुपये तक होता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में समझ गया होगा कटिंग में किसको कहते हैं और रोल में किसको कहते हैं, और रही बात कितना मिनिमम क्वांटिटी लेना चाहते हैं, मतलब लेना पड़ता है एक फैक्ट्री वाले कितना कम से कम बना के देगा। तो दोस्तों इस तरह का रोल जो होता है, ये जैसे ये एक और ये दो रोल है ना, दो रोल जैसे एक ऐसे होता है, थोड़ा देख लीजिए ये एक रोल होता है, कम से कम 200 केजी बनाना जरूरी होता है। तो 200 केजी में कितना रोल होगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है। 200 केजी अगर आपको बना के देते हैं कोई फैक्ट्री वाला, तो कम से कम 7 से 8 रोल आएगा ऐसे, एक ये दो ये 3 4 5 6, ऐसे तरह का आपको जो है 7 से 8 रोल आएगा। 200 केजी कम से कम 7 रोल तो आएगा ही आएगा, अगर इस तरह का जैसे वजन लिखा हुआ होता है, ये एक रोल पे कम से कम 16-17 किलो या 15 किलो तक होता है, इस तरह का लिखा हुआ होता है। आप रही बात प्राइस, मतलब टोटल खर्चा कितना आएगा एक एक कंपनी, मतलब एक साइज में बनाने के लिए, जैसे कोई सा भी अगर आप 20 रुपए का बनाते हैं, ठीक है, या आप 10 रुपए वाला बनाते हैं, ठीक है, 10 रुपए का अगर बनाते हैं तो कम से कम 80,000 से लेकर 90,000 रुपये तक खर्चा हो जाता है। उसी तरह अगर 5 वाला 10 वाला 20 वाला 40 वाला बनाता है, कम से कम 3.5 लाख से 4 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खाली रोल की बात किया। दूसरी अगर आपको इस तरह का कटिंग में चाहिए तो आप ये भी आप 90,000 और जोड़ लीजिए। कम से कम सभी साइज में अगर आप मतलब बनाना चाहते हैं, खुद का कंपनी सेटअप करना चाहते हैं सभी ब्रांड के, आधा किलो 1 किलो में भी, तो कम से कम नहीं तो 6 लाख से 7 लाख का बीच में आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, खाली ओनली पैकेट पैकेट का। बाकी इस तरह का अगर आप मशीन लेना चाहते हैं या किसी से और पैकिंग करना मतलब करेंगे, तो पैकिंग चार्ज लेते हैं। अगर मान लीजिए आप खुद पैकिंग नहीं कर पाएंगे और 1.5-2 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाएंगे, अगर 6-7 लाख रुपए खर्च करने के बाद इतना और नहीं हो पाता है, तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको पैकिंग करके देंगे इस तरह का मशीन से, है ना। तो आपको इसका जो मजदूरी है वो आपको देना पड़ेगा, बाकी हम पैकिंग करके आपको दे देंगे। चाहे भले आप 10 रुपये वाला शुरुआत में निकालें, इस तरह का 10 रुपये वाला भी निकाल सकते हैं शुरुआत में, 90,000 से शुरुआत कर सकते हैं, और प्रिंट होने के बाद सिलेंडर तैयार होने के बाद पैकिंग पाउच रेडी होने के बाद आप हमसे संपर्क करें। हमारा जो मिनिमम कितना केजी का होता है, 1 केजी का चार्जेस कितना लेते हैं पैकिंग करके, वो भी हम आपको दे देंगे इस तरह का मशीन से। तो दोस्तों ये जो आज का टॉपिक था, चाय पत्ती के व्यापार में कैसे
बनाएंगे रोल और कैसे बनाएंगे पाउच, कितना खर्चा आएगा, कितना रोल होगा, कितना सिलेंडर लगेगा, ये सारे बातें आपको बताया है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।